मैं दीपक मिश्रा अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम देख रहे हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में हम चल रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मॉडर्न फिजिक्स। हम देखेंगे फिजिक्स से संबंधित आधुनिक संकल्पनाएं और उसके बारे में। मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली हमको परमाणु थ्योरी देखनी है, जो एटॉमिक थ्योरी वगैरह है इनको देखना है। तो चलिए आज ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो इसका आंसर है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में दो मूल कण होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। परमाणु जो होता है ये तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है इस प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो मूल कण परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं और जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है इस कण का नाम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न मूल कणों में कौन सा अस्थाई कण है। निम्न मूल कणों में कौन सा अस्थाई कण है तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन। परमाणु तीन मूल कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें जो प्रोटॉन होता है ये प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसीलिए न्यूट्रॉन जो है ये सबसे ज्यादा अस्थाई होता है। प्रारंभ में मूल कणों की संख्या तीन थी, अभी बहुत सारे मूल कण और नए नए खोजे गए हैं, वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ करके 30 के करीब पहुंच चुकी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। मूल कण है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे तो इसका आंसर है चैडविक। ये जो तीन मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके आविष्कारक आपको या खोजकर्ता पूछा जाता है और कभी कभी तीनों का नाम दिया जाएगा और मिलान करने के लिए दिया जाएगा। तो इसको याद करने का बहुत ही एक सरल ट्रिक है, आप याद रखिएगा, ईंट पग नाचे। ठीक है, ईंट पग नाचे। सबसे पहले डिकोड करते हैं ईंट को, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, थॉमसन को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन को खोजा था थॉमसन या थॉमसन ने। दूसरा है पग, प से हो जाएगा प्रोटॉन, ग से हो जाएगा गोल्डस्टीन, यानी प्रोटीन, प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन। तीसरा है नाचे, ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन और चे से हो जाएगा चैडविक। इस प्रकार ईंट पग नाचे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के तीनों के आविष्कारक हो गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे तो इसका आंसर है एंडरसन। ये जो मूल कण पहले तीन थे, अभी मूल कणों की संख्या में हमने बात की कि 30 से प्लस हो चुकी है, 30 से अधिक हो चुकी है, तो इनमें कुछ मूल कण जो चार मूल कण है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनका आविष्कार किसने किया। सेम टाइप क्वेश्चन यहाँ भी, एक तो सिंगल आविष्कारक या फिर मिलान करने वाले प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए भी हमने एक कोड बनाया है, इसको आप देख लीजिए। सबसे पहला लाइन जो है इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं, न्यू फोटो फौजी भाई। ठीक है, न्यू फोटो फौजी भाई, ये हो गए चार मूल कणों के नाम। ठीक है, उसी के आविष्कारक पा, आई एंड यू, याद रखिएगा, न्यू फोटो फौजी भाई, पा, आई एंड यू। यहां पर न्यू से हो जाएगा न्यूट्रिनो, फोटो से हो जाएगा फोटोन, पौजी को थोड़ा सा, फौजी को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, पौजी यानी फौजी से हो जाएगा पॉजिट्रॉन, और भाई से हो जाएगा पाई, पाई मतलब पाई मैसोन। ये चार मूल कण, देखते हैं इनके खोजकर्ता। तो इनके खोजकर्ता है पा, आई एंड यू। पा से हो जाएगा पाउली, आई से हो जाएगा आइंस्टीन, एंड से हो जाएगा एंडरसन और यू से हो जाएगा युकावा। यानी न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता जो थे ये पाउली हैं, फोटोन के खोजकर्ता एल्बर्ट आइंस्टीन हैं, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन और पाई मैसोन के खोजकर्ता जो है ये है युकावा। होप आप इसको बहुत आसानी से याद कर लेंगे और एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप यहां से आसानी से इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है ये है, नाभिक का आकार होता है। नाभिक का आकार होता है तो इसका आंसर है 10^-15, यानी नाभिक का आकार जो होता है ये 10^-15 होती है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटोनों की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटोनों की संख्या कितनी है तो इसका आंसर है एक। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटोन जो होता है ये सिंगल होता है, यानी कि एक होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है,
किसी तत्व की परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है नाभिक में मौजूद प्रोटोनों की संख्या। नाभिक में मौजूद प्रोटोनों की संख्या को हम कहते हैं परमाणु संख्या। एक ट्रिक देता हूं, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। परमाणु संख्या को हम शॉर्टकट कैसे लिखेंगे, प स, ठीक है, परमाणु संख्या मतलब प स। प्रोटोनों की संख्या का शॉर्टकट क्या होगा, प स, याद इतना ही रखना है। प स मतलब प स, परमाणु संख्या मतलब प्रोटोनों की संख्या, मीन्स प स मतलब प स, परमाणु संख्या प्रोटोनों की संख्या, क्लियर। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो परमाणु संख्या हम कहते हैं नाभिक में मौजूद प्रोटोनों की संख्या, दैट मीन्स प स मतलब प स, ठीक है। जब बात आएगी द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या नाभिक में प्रोटोन के अलावे और कौन होता है, तो न्यूट्रॉन होता है, यानी प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाएगी द्रव्यमान संख्या। क्योंकि नाभिक का जो भी भार बनता है ये प्रोटोन और न्यूट्रॉन को मिलकर के ही बनता है, इसीलिए जब भी आपको परमाणु संख्या सॉरी द्रव्यमान संख्या पूछा जाए तो यहाँ प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में आपको बताना है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई भी भार नहीं होता है। एक बार थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है और इसका द्रव्यमान शून्य होता है, क्लियर। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है और इसका द्रव्यमान होता है। इसी तरह से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है परंतु द्रव्यमान होती है। इसीलिए जब परमाणु संख्या की बात आती है तो हम बोलते हैं प्रोटोनों की संख्या, ठीक है। जब बात आती है द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या में आ जाती है प्रोटोन और न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं। चलिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या से प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकृति से और कुछ प्रश्न जोड़ करके पूछे जाते हैं जो अभी हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं, यही परमाणु संख्या रिलेटेड है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पूछता है आपको कि किसी तत्व के परमाणु में दो प्रोटोन तथा दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। किसी तत्व के परमाणु में दो प्रोटोन तथा दो न्यूट्रॉन है, तो सॉरी दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, अगर किसी परमाणु में दो प्रोटॉन तथा दो इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है। तो द्रव्यमान संख्या मतलब हम क्या जानते हैं, तो द्रव्यमान संख्या मतलब हम जानते हैं कि नाभिक में मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन भी होंगे, तो यहां आपको दिया हुआ है नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, तो दो, तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, दो, दैट मीन्स दो और दो चार, यानी कि यहां पर इसका आंसर हो जाएगा चार, यानी कि नाभिक में या उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो होगी ये होगी टू प्लस टू, यानी कि चार। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आइसोटोप यानी कि समस्थानिक परमाणुओं में क्या समान होती है, समस्थानिक यानी आइसोटोप परमाणुओं में क्या समान होती है, तो इसका आंसर है प्रोटोनों की संख्या। समस्थानिक जो होते हैं इनमें, समस्थानिकों को अंग्रेजी में हम आइसोटोप कहते हैं, समस्थानिक जो होते हैं इनमें परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं समस्थानिक यानी कि समान स्थान, तो अगर आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, किसी क्लास में पढ़ते हैं और दो बच्चों का समान रैंक है यानी समान स्थान है, दैट मीन्स दोनों के नंबर भी क्या होंगे, समान होंगे, तभी दोनों को रैंक समान मिला, स्थान समान। तो इसी तरह से जब हम परमाणु की बात करते हैं और दो परमाणु का स्थान समान है, दैट मीन्स उनके नंबर भी समान है, और नंबर मीन्स कौन सा नंबर, तो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। तो समस्थानिक जो होंगे इनकी परमाणु संख्या समान होगी और भिन्न क्या होगा, तो भिन्न होगा अपोजिट वाला, यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी, क्लियर। अब बात करते हैं समभारिक, तो समभारिक तो नाम में ही क्लियर है कि भार समान, यानी कि वैसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होगी और जिनमें परमाणु संख्या असमान होगी, क्या कहलाएगा, तो इसको कहा जाएगा समभारिक, यानी समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। एक और कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड मिलेगा, सम न्यूट्रॉनिक या आइसो न्यूट्रॉनिक, तो बिल्कुल आसान है, प्रश्न में ही जवाब छिपा हुआ है। सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान, यानी वैसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है परमाणु जिसमें प्रोटोनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाएगा, परमाणु जिसमें प्रोटोनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाएगा, तो इसका आंसर है समस्थानिक। समस्थानिक जो होते हैं इनमें प्रोटोनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, यह फैक्ट है बिल्कुल, इसको आपको याद कर लेना है। प्रश्न है किस तत्व के समस्थानिक सर्वाधिक होते हैं,
यानी किस तत्व में सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं, तो इसका आंसर है पोलोनियम। पोलोनियम जो है इसमें समस्थानिकों की संख्या सभी तत्वों से अधिक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वहन करता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैरी करता है क्या, तो इसका आंसर है इकाई ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर इकाई ऋण आवेश होता है, हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन जो होता है प्रोटॉन पे इकाई धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश यानी कोई आवेश नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है। एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है या ये क्या कहलाती है, तो इसका आंसर है नाभिकीय विखंडन। जब एक भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो इस क्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। हम लोग इसको व्याख्या में देख लेते हैं कि इसके और क्या क्या लिंक क्वेश्चन या इससे रिलेटेड और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन में आते हैं। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है और इस दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, नाभिक जब टूटता है, जब नाभिक विखंडित होता है, तो ऐसी स्थिति में इससे तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये जो तीन न्यूट्रॉन होते हैं, ये तीन न्यूट्रॉन जो होते हैं ये अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। फिर जब विखंडित करेंगे तो फिर एक जो विखंडन होगा इससे फिर तीन न्यूट्रॉन, यानी तीन तिया कितने हो गए, नौ न्यूट्रॉन निकलेंगे। इस तरह से ये एक श्रृंखला, एक चेन के रूप में बनती है। तीन, तीन से नौ, नौ से फिर नौ, नाइन इंटू नाइन। ठीक है, इस तरह से तेजी के साथ एक श्रृंखला बन जाती है। इसी को हम कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। जब ये श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित रूप में होती है तो ये बहुत तेजी से होती है और बहुत भयानक विस्फोट के साथ होती है। इसी विस्फोट को हम कहते हैं परमाणु बम। ठीक है, यानी परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है, साथ ही साथ यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को दर्शाता है। दो चीज याद रखिएगा, दो एंगल से पूछता है परमाणु बम कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन, और इसमें कौन सी श्रृंखला अभिक्रिया, तो इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, अब वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि ये जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है इसको अगर किसी तरह से हम कंट्रोल कर ले तो इसका सकारात्मक कार्यों में जैसे बिजली आदि के उत्पादन में उपयोग कर सकते हैं। तब जाकर के अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर फर्मी, जिनके निर्देशन में एक परमाणु भट्टी का निर्माण, यानी कि जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका विकास किया गया और इसमें नियंत्रित तरीके से नाभिकीय विखंडन कराया गया और इससे जो ऊर्जा प्राप्त हुई इसका सकारात्मक कार्य यानी बिजली उत्पादन में इसका उपयोग किया जाने लगा। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में निकलने वाले जो तीन न्यूट्रॉन होते थे, इन तीन न्यूट्रॉनों में से दो को अवशोषित करके प्रक्रिया से बाहर कर देते हैं, बचता है एक, फिर वो विखंडित करेगा, तीन उत्पन्न होंगे, दो न्यूट्रॉन को फिर बाहर कर देंगे, बचेगा फिर एक। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर प्रक्रिया नियंत्रित रूप में धीमी गति से होती है और इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसका उपयोग हम लोग सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं। यानी यहाँ याद ये रखना है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर भी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है, परंतु यहाँ पर जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो नियंत्रित रूप में होती है। यानी न्यूक्लियर रिएक्टर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है या नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर से भी पर्टिकुलर कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार किसने किया, तो यह किया था प्रोफेसर फर्मी ने, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के भाग से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में जिस तत्व का प्रयोग होता है, जिस धातु का प्रयोग होता है, इसका नाम है जिरकोनियम। ठीक है, याद रखिएगा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में प्रयोग होता है जिरकोनियम का। न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम और प्लूटोनियम का। ठीक है, यानी कि यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 का उपयोग इसमें ईंधन के रूप में होता है। और जो परमाणु बम होते हैं, परमाणु बम बनाने में भी प्लूटोनियम 239 यानी 239 का ही प्रयोग होता है। ईंधन के बाद पूछता है कि मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो मंदक क्या होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जब नाभिकीय विखंडन होती है तो इस समय नाभिकीय रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए हम मंदक का उपयोग करते हैं। तो मंदक के रूप में हम जिसका उपयोग करते हैं वो है ग्रेफाइट या भारी जल। भारी जल को ड्यूटेरियम या D2O के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नाभिकीय रिएक्टर में जो तीन न्यूट्रॉन निकल रहे थे इनमें दो को अवशोषित करने के लिए नियंत्रक छड़ का उपयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ के रूप में हम उपयोग करते हैं
कैडमियम या बोरोन की छड़ का। ये भी सीधे सीधे पूछता है कि नाभिकीय रिएक्टर में निकलने वाले 3 अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए अवशोषक छड़ के रूप में किसका उपयोग होता है, तो ये होता है कैडमियम या बोरोन की छड़ का। इसी तरह से एक और प्रश्न आपको पूछ लेता है कि निर्माण पदार्थ, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो जो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में पदार्थ का उपयोग होता है वो है जिरकोनियम। और अगर हम लोग संरचना वाइज बात करें कि ये नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है, तो नाभिकीय रिएक्टर एक तालाब की तरह होता है जिसमें शांत तरीके से परमाणु विखंडन कराकर से प्राप्त जो ऊर्जा होती है इसका उपयोग हम लोग विद्युत निर्माण में करते हैं। तो ये हमने देखा नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित। अब हम देखेंगे कि जो परमाणु विखंडन हमने देखा, नाभिकीय अभिक्रिया एक और तरह की होती है जिसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन को भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और जब 2 हल्के नाभिक आपस में मिलते हैं, संलयन करते हैं, फ्यूज करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो इस दौरान भी भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये ऊर्जा नाभिकीय विखंडन की तुलना में 1000 गुना शक्तिशाली होती है, ठीक है। सूर्य और तारे जो हम लोग देखते हैं, इसमें जो ऊर्जा का स्रोत है ये भी नाभिकीय संलयन है। सूर्य और तारे में क्या होता है, तो सूर्य और तारे में हाइड्रोजन के अणु, बहुत बढ़िया से याद रखिएगा, हाइड्रोजन के अणु आपस में मिलते हैं, इनका संलयन होता है और हीलियम बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन के छोटे छोटे अणु आपस में मिलते हैं और हीलियम के बड़े अणु का निर्माण करते हैं नाभिकीय संलयन के द्वारा, और इस दौरान जो भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा हमको पृथ्वी पर प्राप्त होती है सूर्य के प्रकाश या ताप के रूप में। तो नाभिकीय संलयन ही सूर्य और तारों में ऊर्जा का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। एक आप बम का नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन बम, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो है ये भी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, और ये जो हाइड्रोजन बम होता है ये परमाणु बम की तुलना में 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, यानी ये काफी ज्यादा विनाश करने में सक्षम होती है। जो पर हाइड्रोजन बम थे, ये हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है ये एडवर्ड टेलर नाम के अमेरिकी वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन बम का अभी तक एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि परमाणु बम का प्रयोग 2 बार हो चुका है। परमाणु बम का पहला प्रयोग जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों पर किया गया। पहला शहर था हिरोशिमा, जिस पर 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा शहर नागासाकी था, जिस पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे, ठीक है। तो परमाणु बम का 2 प्रयोग हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन बम का अभी तक कोई प्रयोग नहीं हुआ। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा आप सॉल्व कर पाए, इसीलिए थोड़ा सा मैंने इस पे लंबा आपको लेक्चर दे दिया। चलिए कॉन्सेप्ट को आप पकड़िएगा, और यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ठान लीजिए मन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किस कारण निकलती है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किस कारण निकलती है, तो इसका आंसर है द्रव्य के ऊर्जा में परिवर्तन के कारण, ठीक है। द्रव्य के ऊर्जा में परिवर्तन के कारण जो है ये परमाणु बम में विस्फोट के दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर के लिए जो हमने परमाणु वाला थ्योरी देखा, परमाणु बम, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा। इसके बाद हम मॉडर्न फिजिक्स पे एक और वीडियो बनाएंगे, और वही हमारा जो फिजिक्स का होगा ये लास्ट होगा। फिजिक्स जैसे ही खत्म होगा, हमने बात की है फिजिक्स के तुरंत बाद मैं 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलूंगा, पहला केमिस्ट्री और दूसरा बायोलॉजी, और इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि सर आर्ट्स पेपर, तो बिल्कुल आर्ट्स पेपर पे भी हम लोग जाएंगे, लेकिन साइंस को खत्म करने के बाद। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी को साथ साथ में लेकर के खत्म कर लें, और ये जब खत्म हो जाता है या खत्म नहीं भी होता है तो भी हम लोग आर्ट्स पेपर को बहुत जल्दी शुरू करेंगे। इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, हमें बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। अच्छा लगे, बुरा लगे, जो चाहिए आप डिमांड रखिए, हम जहां तक संभव होगा पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज इसी के साथ हम अपने क्लास का द एंड करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के मॉडर्न फिजिक्स के। टिल देन थैंक यू वेरी मच।